चलिए देखिए, ये पेज नंबर 11.17 पीटू का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई ट्विस्ट नहीं है इसमें। और इसमें है क्या, इनकम फ्रॉम सैलरीज, और मैंने बताया था जितने भी अगर हेड्स दिए हुए तो सभी हेड्स का आप अलग अलग कैलकुलेशन करें, बाद में जोड़ना है इसको। इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 15,000 × 12। डीएनएस अनाउंस कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 0% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और मिल कितना रहा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो 15,000 का 20% कितना हो गया 3,000 × 12। एचआरए कितना है, 4,500 मिल रहा है लेस एग्जेम्प्ट, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें सास कितना होगा, 15,000, और ये दिल्ली या गुड़गांव, दिल्ली में रह रहे हैं या गुड़गांव में रह रहे हैं, देख लेना 50% या 40%। तो 50% निकालोगे तो 7,500, और 40% निकालोगे तो 6,000, है ना। और एक्चुअल जितना मिल रहा है वो 4,500, रेंट पेड है कितना 7,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,000 माइनस 1,500 कितना आएगा, 7,000 माइनस 1,500 5,500। तो इन एनी केस मैक्सिमम एक्चुअल फॉर्मूला में लीस्ट क्या है 4,500, तो एग्जेम्प्ट क्या होगा 4,500, तो इसीलिए ये नेम कर दिया। तो हमने कैलकुलेशन इसमें नहीं दिखाया, आपको ऐसे ऑरली बता दिया। मेडिकल लॉन्स फुल्ली टैक्सेबल होता, मेडिकल फैसिलिटी हो रहा होता तो 15,000 का एग्जेम्प्शन देते, लेकिन ये मेडिकल लॉन्स है, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्पेंडिंग ₹2,000 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्कोप ड्राफ्ट में मेडिकल लॉन्स इज फुल्ली टैक्सेबल, तो 200 × 12। फिर वार्डनशिप अलाउंस, ये वार्डनशिप अलाउंस क्या होता है, जैसे जेल के वार्डन्स होते हैं, हॉस्टल में वार्डन्स होते हैं, तो उनको हॉस्टल या जेल मेंटेन करने के लिए एक मोटिवेशन के लिए वार्डनशिप अलाउंस दिया जाता है, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, तो ये भी हमने फुल्ली टैक्सेबल कर दिया। और इसमें कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है, वो कितना लिखा हुआ है 10%, तो एक्सेस ऑफ 12% नहीं है, सेक्शन 7 एप्लीकेबल नहीं होगा इसलिए नहीं कर दिया। तो इनकम फ्रॉम सैलरी टोटल करके कितना आ गया 2,22,000। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसने रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कितना 2,000 पर मंथ, 24,000, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमने यही एनएवी मान लिया। स्टैंडर्ड एक्शन 30% माइनस करके बाद हाउस प्रॉपर्टी निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लिखा हुआ नहीं है। फिर अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 5,000, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट होता है इसलिए निल कर दिया। किस सेक्शन में एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 20,000 है, इसका 80 TTA का डिडक्शन मिलेगा। और जब आप ये कर रहे होगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में लिख लिया करना 80 TTA, नहीं तो बाद में अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पता लगा आप ये भूल गए तो दिक्कत होगी, ठीक है। और अदर सोर्सेज टोटल कितना आ गया 25,000। फिर हमने जोड़ लिया सैलरी 2,22,000, हाउस प्रॉपर्टी 16,800, और अदर सोर्सेज और ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 263,800। इसके बाद ATC टू ATU करना, ATC में ओन कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 10% ऑफ बेसिक सैलरी 18,000, और कुछ है नहीं। ATD में बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दिया हुआ है, डिपेंडेंट मदर का लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है तो बॉक्स 2 में आएगा, या इंडिपेंडेंट मदर भी है तो भी मिल जाएगा। फिर ब्रदर का है नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंट सन का है नहीं मिलेगा, तो बॉक्स 1 में 0 कर दिया। मैक्सिमम लिमिट कितनी है 25,000, और रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होता तो 30,000, तो यहाँ पर हमने 25,000 का लिमिट कर दिया। 80 TTA लिख दिया 10,000। अब ATG में वो डोनेशन कितना दे रहा है, 25,000 डोनेशन दे रहा है, तो अगर 25,000 डोनेशन दे रहा है तो जब भी ATG पार्ट बी में है तो मैं एडजस्टेड GTI निकालना है, तो एडजस्टेड GTI इक्वल टू GTI 2,63,800 माइनस स्पेशल इनकम, वो है नहीं क्वेश्चन में, तो क्या है ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC टू ATU एक्सेप्ट ATG, जिस चीज को निकाल रहे हैं। तो 18,000 माइनस किया, 25,000 माइनस किया, 10,000 माइनस किया, तो ये टोटल कितना रहा है, इनको टोटल करेंगे तो 53,000 आ जाएगा, तो 2,10,800, इसका 10% 21,080 और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है, ये लोअर का 100% या 50% निकालना है, और ये फॉर चैरिटेबल पर्पज डोनेशन दे रहा है तो 50% ये निकाल दिया 1,054। और ये सारा जोड़ के 18, 25 और 10 और 20 को जोड़ के 63,540 आ रहा है, तो टोटल इनकम आ गया 200,260 आया।